हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। दोस्तों, इस वीडियो में आप कुछ अलग चीज देखेंगे। ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बिल्कुल नया है। इसमें दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं कि मेरे जैसे जो भी यूट्यूबर है जो अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं उन लोगों की वीडियो मैं यहाँ शेयर करूंगा। और दोस्तों आपको पहले से भी और ज्यादा कंटेंट मिलेंगे मेरे चैनल पे। आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि मैं कुछ कम वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, एक दो डेली अपलोड कर पा रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से मैं आपको और ज्यादा वीडियो दे पाऊंगा और आपकी हेल्प हो पाएगी। तो दोस्तों ये कंटेंट और ये पूरी सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये जो अभी आप वीडियो एक देखने वाले हैं ये मेरे एक दोस्त का है जो कि एक यूट्यूबर है। वो भी मेरी ही तरह एक छोटे यूट्यूबर है लेकिन उनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती है, तो आप उसको ज़रूर देखिए और उनके चैनल पर जाइए। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बाकी इस तरह से मैं जितने भी लोगों के डालूंगा इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में वीडियो, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उन सबको ज्वाइन कर सकते हैं, उन सबको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर भी आपको बहुत सारे मज़ेदार कंटेंट मिल सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले कुछ बेहतरीन एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में जो कि आपको कहीं भी यूज हो सकते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है जीतू और आप देख रहे हैं टेक्नो कवर। नंबर वन, फिल्मोरा गो। दिन ब दिन एंड्रॉयड फोन्स काफी पावरफुल होते जा रहे हैं, कहीं डेका कोर प्रोसेसर तो कहीं 6 GB रैम। इसी की वजह से अब हम इनमें कुछ इंटेंसिव टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग। इसी के लिए एक ऐप आता है जो कि ये फिल्मोरा गो, जो कि बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप है। इसमें सबसे पहले हमें वीडियोस, फोटोज, क्लिप्स ऐड करनी होती है। एक बार हमने ऐड कर दी उसके बाद हम इस क्लिप को वेरियस थीम्स अप्लाई कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स दे सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं, क्लिप क्रॉप कर सकते हैं और इसमें बाकी टूल दिए हुए हैं जैसे कि सबटाइटल ऐड करना, स्पीड को कम ज़्यादा करना एंड बहुत कुछ। इसमें सभी तरह के ज़रूरी टूल्स दिए हुए हैं। एक बार आपने वीडियो एडिट कर लिया तो उसके बाद उसे एक्सपोर्ट करना भी काफ़ी इजी है। उसके बाद और एक फीचर आता है जैसे कि आप अपनी वीडियोस को सोशल लिंक से भी अटैच कर सकते हैं, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा ऐप है वीडियो एडिटिंग के लिए। नंबर टू, यूनिटी। इस ऐप के थ्रू आप आपके कंप्यूटर में की कोई भी फाइल्स या डेटा एक्सेस कर सकते हो आपके मोबाइल और स्मार्टफोन पे। बस दोनों डिवाइस एक ही वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड चाहिए। उसके बाद आपको सेम आईडी से साइन इन करना होता है। उसके बाद आप जब भी कभी लॉगिन करते हो या फिर आपका कंप्यूटर ओपन करते हो तो आप कोई भी फाइल आपके स्मार्टफोन में एक्सेस कर सकते हो, उसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो उनमें। उसके बाद सेटिंग्स में आप उसके पासवर्ड चेंज कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन चेंज कर सकते हो और प्रीमियम वर्जन में ये काफ़ी अच्छे फीचर्स अनलॉक कर देता है, जैसे कि सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट ना होते भी आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो फाइल आपके कंप्यूटर में की थ्रू योर स्मार्टफोन। उसके बाद आप कंटेंट डाउनलोड भी कर सकते हो विदाउट सेम वाईफाई नेटवर्क के, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा ऐप है। और नेक्स्ट टू इसमें क्रोमकास्ट का अपडेट भी आने वाला है, इसके थ्रू आप क्रोमकास्ट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऐप है। उसके बाद आता है ऑल इन वन टूल बॉक्स, एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसमें आप वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि जंक फाइल्स को क्लीन कर सकते हो, आपके सीपीयू, मेमोरी और बैटरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आपके फाइल्स और ऐप को मैनेज कर सकते हो और बाकी बेसिक चीज़ें इसमें दी हुई हैं। उसके बाद आप इजीली रोज़ाना जो भी जंक फाइल होती है उन्हें क्लीन कर सकते हो। उसी के साथ ये ऐप आपका आपके सीपीयू को ठंडा कर देता है हेवी गेमिंग के बाद। एडिशनल टूल्स भी इसमें दिए हुए हैं जैसे कि ऐप रिमूवर और बहुत कुछ। प्लगइन्स के बारे में जानते हैं, प्लगइन्स में इसमें डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स भी दिए हुए हैं जो भी आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आती है विजगेट, इसकी विजगेट होम स्क्रीन पर ऐड करके आप एक ही टैब में वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली ये बंडल ऑफ ऐप है वेरियस ऐप्स का, जिसके थ्रू आपको काफ़ी सारे ऑपरेशंस एक ही टैब में करने मिल जाएंगे, तो आपको डिफरेंट टाइप के ऐप्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है आर्टिस्ट टू। बेसिकली ये ऐप प्रिज्मा है वीडियो के लिए, जिस तरह से हम प्रिज्मा में फोटोज इम्पोर्ट करके उसे वेरियस टाइप के आर्टिस्टिक इफेक्ट देते हैं, वैसे हम इसमें वीडियोज को इस टाइप के इफेक्ट्स दे सकते हैं। आपको बस एक तो वीडियो कैप्चर करना है या फिर उसे इम्पोर्ट करना है, उसके बाद में आप इसको वेरियस टाइप के इफेक्ट्स दे सकते हैं जैसे कि फेड ड्रो, पेप्सी मोमेंट्स, ब्लू ड्रीम्स और बहुत कुछ। यकीन कीजिए मैंने इससे कुछ वीडियोस
बनाए हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ में बन रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद आता है डेंगो, ये एक इमोजी असिस्टेंट ऐप है। अगर मैं व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर रहा हूँ और अगर मैं वहाँ पे सैड वर्ड टाइप करता हूँ तो वो मुझे सैड से रिलेटेड सारी इमोजीज पॉपअप करते हैं और मैं एक टैप में सेंड कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं हैप्पी वर्ड टाइप करता हूँ तो वहाँ पे वो हैप्पी से रिलेटेड सारी इमोजीज मुझे पॉपअप कर देंगे और उसे मैं सेंड कर सकता हूँ। तो उसमें इतना ही नहीं, इसमें आप गिफ्ट फाइल भी सेंड कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा एक इमोजी सजेस्टिव ऐप है जिससे आपको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर और एक सही इमोजीज ढूंढने के लिए आपके स्टिकर बॉक्स में। इस ऐप को भी ट्राई करके देखिए। तो ये थे कुछ टॉप एंड्रॉयड ऐप्स जो कि जेन्युइन और यूजफुल है, जिसमें कुछ एडवर्ट जैसा खचरा नहीं है, तो आपको एक बार इसे ज़रूर यूज़ करके देखना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपका कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट में लिखना ना भूलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह के टेक्नोलॉजी के वीडियोस, टिप्स ट्रिक्स एंड रिव्यूज के वीडियोस आपके लिए लाया करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अभी अभी आपने ये वीडियो देखी है एक मेरे यूट्यूबर दोस्त की, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों की ही वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप भी यूट्यूबर हैं और आप टेक वीडियो अपलोड करते हैं और आपकी वीडियो में जो कंटेंट होते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, सच होते हैं, कोई फेक नहीं होते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं होता है, तो दोस्तों मैं आपका भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप मुझे उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे उसके लिए ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। तो आप कोई भी यूट्यूबर जो कि टेक वीडियो अपलोड करता है वो मुझे ज्वाइन कर सकता है इस सीरीज में।